हमारे भी मानपत्र दिया जाने वाला है डॉक्टर सैयद टिप्पू सुल्तान इनको। सर एक प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ है, टिप्पू सुल्तान हॉस्पिटल यूसुफ कॉलोनी परभणी के एक जाने माने मानसोपचार तज्ञ है। सरांनी आपली जन्मभूमी महाराष्ट्रातील परभणी असून कर्मभूमी मात्र भारताने जन्मभूमी केलेली आहे। आपले शिक्षण परभणी येथे झाले, त्यानंतर औरंगाबाद येथून आयुर्वेदामध्ये एमडी करून वैद्यकीय सेवेला सुरुवात केली। महाराष्ट्रातील परभणी येथे युसुफ पाली हॉस्पिटल सुरुवात केले व पाहता पाहता परभणी महाराष्ट्र भारतातही अनेक राज्यामध्ये विदेशात रुग्ण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतात। उपचार घेतल्यानंतर अनेकांचा आजार बरा होतो, आपला मोठा उपचार होतो, अल्पावधीतच आपल्या कर्माच्या बळावर आपल्या नवरोगी झाला, अक्षरशः उपचार होऊ लागले। वैद्यकीय क्षेत्रातील आपला उपचार हा विलक्षण क्रांतिकारक ठरत आहे। आपल्या वैद्यकीय सेवेत करीत असलेल्या कार्याच्या बरोबर शिक्षक परिषदेच्या वतीने आपणास राज्यस्तरीय आरोग्य नागरी पुरस्कार सन्मानित देऊन प्रदान करण्यात येत आहे। आपल्या निर्वाचित हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। आज आपण एक आयुर्वेदिक आणि मानसोपचार तज्ञ यांच्याकडे आपण त्यांच्या भेटीसाठी आलेलो आहोत। परभणी जिल्ह्यामध्ये आणि मराठवाड्यामधून त्यांच्याकडे अनेक रुग्ण त्यांच्या भेटीसाठी इलाजासाठी येत असतात आणि ते बरे होऊन या ठिकाणी येऊन जातात। तर आपल्यासोबत टिपू बाबा जे युसुफ कॉलनीमध्ये त्यांचं वास्तव्य आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून ते या ठिकाणी रुग्णांची सेवा करत असतात आणि रुग्णांचे उपचार करून त्यांना बरे करून त्यांच्या गावाकडे पाठवतात। असे आपले टिपू बाबा या ठिकाणी युसुफ कॉलनीमध्ये वास्तव्य करत आहेत आणि रुग्णांची सेवा करतात। आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत की नेमकी आपण अशी कोणती ख्याती मानसोपचार तज्ञ आहात आणि त्या माध्यमातून आपण रुग्णांचा इलाज करतात, काय सांगाल माध्यमाशी आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत। आपण टिप्पू बाबा यांच्याशी जाणून घेऊया की ते काय सांगतात। धन्यवाद। मैं पहले तो सब आप सबका आपके माध्यम से आपके जो चैनल के माध्यम से न्यूज जो अवार्ड मुझे मिला ये सम्मान इसको आप टेलीकास्ट करें इसलिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ। और महात्मा ज्योतिबा राव फुले शिक्षण परिषद महाराष्ट्र इनकी तरफ से आरोग्य रत्न पुरस्कार से जो मुझे सम्मानित करे जो सम्मान से, तो मैं उन सबका शिक्षक परिषद के जितने मेम्बरान है अध्यक्ष उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स टू लॉर्ड। और
बस एक बात मैं ये बताऊंगा कि जीवन के अंदर इंसान ने जीवन का मकसद ऐसा बनाना कि कोई भी हो, चाहे हिंदू सिख हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी जात हो, इंसानियत सबसे बड़ी है। धर्म ये कोई भी धर्म ये सिखाता कि इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, सबसे पहले इंसानियत आती। इसलिए कभी भी क्या बोलते तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान लेके चलना, एक बनो और नेक बनो। जीवन जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको तुमको दो पंक्ति के अंदर बयान करूंगा मैं कि जीवन का मकसद बना ऐसे कि दुनिया तुझको याद करे। इंसान ने इंसानियत को देखना, ये दौर एक ऐसा दौर चल रहा कितना रंगेज, कुछ मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस बदमाश लोग तुमको क्या करते आपस में लड़ाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करके। और आजकल तो बहुत ज्यादा ये हवा चला रहे कि भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो लोगों को जो भाईचारे के दुश्मन है मैं उनको एक पैगाम ये देना चाहूंगा कि तुम कुछ भी कर लो हिंदुस्तान के अंदर से तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक साथ मिल के देश को आजाद करे थे और ये सब देश के वास्ते अपनी जान कुर्बान करे सबने मिलकर। और बार बार मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम ऐसा मत करो किसी के साथ में जो भेदभाव, ये जो दास्तान आजकल जो चल रहा है बहुत ही मीडिया के थ्रू बहुत ही दास्तान इतनी खतरनाक, और तुमने देश के अंदर का माहौल बना दिए। इन सब का निचोड़ मैं यही बोलूंगा कि एकता और अखंडता को भारत के बरकरार रखो। संविधान अगर बरकरार है तो भारत की एकता और अखंडता बरकरार है, और भारत माता है। मैं आज तुम आपको बोलता, तुम बार बार बोलते ना कि भारत माता है, भारत माता है, ठीक है हम मानते भारत माता है, लेकिन जब भारत माता है तो संविधान पिता है, तुम आपको मानना पड़ेगा। जब भारत माता है ना तो संविधान पिता है, और तुमको संविधान को भी सही तरीके से लेके चलना है, सबको भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हो, बस ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस आरोग्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित करे, तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार नहीं करता हूँ। महात्मा ज्योति आरोग्य रत्न पुरस्कार या ठिकाणी टिप्पू बाबा यांना मिळालेला आहे। ते तरुण वयामध्येच एक नागरिकांचा चांगल्या पद्धतीने उपचार करतात आणि त्यांना मानवोपचार तज्ञ या नावाने ओळखले जाते। अनेक रुग्णांचा ते या ठिकाणी इलाज करत असतात। असेच काही त्यांच्याकडे पेशंटच्या बारेमध्ये आपण जाणून घेऊ की कोणकोणत्या रोगावर आपण रुग्णांचा इलाज करत असतो। ऐसा है कि मैं बहुत सारे पेशंटों को मैंने जितने भी राइट करा जो भी दास्तान है सब लाइव में है, और मैंने लाइव में जितने भी पेशेंट है उनको सब लाइव में राइट कर दुरुस्त कर तुमको बताया। और मैं किडनी स्पेशलिस्ट था, किडनी में स्टोन, किडनी फेलियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयुर्वेदिक के अंदर, उसके अलावा पाइल्स डिजीज स्पेशलिस्ट था मैं, उसके अलावा कमजोरियां रहते लोगों को बच्चों को उसमें स्पेशलिस्ट था, ऐसा भी स्पेशलिस्ट था। इसके अंदर मेरी प्रैक्टिस ऐसी थी कि मैं बहुत जल्द जो डेट बताता था उसके अंदर उस डेट पर पेशेंट को राइट कराते थे कि हाँ दवा और गोली जो है, तो आयुर्वेदियम जो है, आयुर्वेदिक और यूनानी ये फादर ऑफ साइंस है, यानी कि इनकी पहले बुनियाद थी, इनके बाद ही सब क्या बोलते थे साइंस मेडिकल ही सब आए। और आयुर्वेदियम के अंदर भी और यूनान के अंदर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट को जल्दी फर्क एलोपैथिक से होता, आयुर्वेदिक से कम फर्क, ऐसा नहीं रहता। जानकार होना, डॉक्टर को अगर तजुर्बा है तो उन्हें उस हिसाब से बरोबर फिर राइट कराता। और सबसे अहम बात यह है कि आयुर्वेदियम और यूनान फादर ऑफ साइंस है, और मैंने उसके साथ साथ उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट राइट करा। फिर उसके बाद 2017 से प्रैक्टिस चल रही थी मेरी, 2017 में मैंने दवाखाना डाला था, जब भी मेरी 2017 से पास आउट हो गए सारे एग्जाम, एमडी बने, एमडी बनने के बाद में फिर इलाज चालू है, जितने भी पेशेंट थे पेशेंट को राइट करना चालू धीरे धीरे। उसके बाद में कुछ पेशेंट मानसिक तनाव के आने चालू हुए, वो पेशेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए मैंने अल्लाह के फजल करम से राइट करा, और राइट करके बताया कि एक मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूंगा लेकिन आप खुद देख लो और देखकर जस्टिफाई करो कि मैंने कैसा कार्य करा, अच्छा करा या बुरा करा, आप बताओ जवाब में। टिप्पू बाबा यांना बाहेर देशातून सुद्धा मागणी आलेली आहे की आमच्या देशामध्ये येऊन आमच्या नागरिकांचा इलाज करा, आम्ही तुम्हाला बाहेर देशाचं नागरिकत्व देतो, असं बाहेर देशाच्या नागरिकांनी या ठिकाणी त्यांना आवाहन केलेलं आहे। परंतु टिप्पू बाबा हे आपल्या भारत देशाचे असल्यामुळं त्यांचं म्हणणं आहे की मी भारत देशाचा रहिवासी आहे आणि याच भारतामधील नागरिकांची मी सेवा करणार, असं माध्यमाशी बोलताना टिप्पू बाबा यांनी सांगितलेलं आहे। परभणी न्यूज, दिलीप बनकर, परभणी।